नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN9। मैं हूं श्वेता। आगर मालवा जिले के नरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम गोंदल महू में आकाशीय बिजली गिरने से रविवार शाम दो लोगों की मौत हो गई तथा एक को गंभीर अवस्था में उज्जैन रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यक्ति अपनी दो बेटियों के साथ खेत में प्याज निकालने का काम कर रहा था, तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिससे कि मजदूर एवं उसकी 14 वर्ष की बेटी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा 15 वर्षीय बेटी को गंभीर अवस्था में सामुदायिक केंद्र नलखेड़ा से उज्जैन रेफर किया गया। नेपानगर से सटे ग्राम बोरसल में नाबालिग युवती से छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत युवती के परिजनों ने नेपानगर थाने में दर्ज कराई। शिकायत के बाद आरोपी युवक को नेपानगर पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। युवती के पिता ने बताया कि हमारे घर के पड़ोस में रहने वाला युवक लंबे समय से मेरी बेटी को परेशान करता था। युवक भी नाबालिग होने के चलते हमने कई बार उसे समझाइश देकर मामले को शांत कर दिया, लेकिन उसने मेरी बेटी को परेशान करना नहीं छोड़ा, जिससे परेशान होकर हम थाने में शिकायत दर्ज कराने आए। शिकायत के बाद आरोपी युवक को नेपानगर पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया है। हम बोरसल में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का प्रकरण थाने में आया था, जिससे अवैध नाबालिग बच्चे के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा कायम किया गया। सर, उसमें धारा कौन सी लगाई? धारा 354/452/8/501 लगाया गया। खकनार तहसील के ग्राम करदली में निर्माणाधीन स्टोरेज टैंक डैम का निर्माण कार्य पुलिस के साये में शुक्रवार को पुनः शुरू किया गया। कार्य शुरू होने से किसानों में काफी रोष व्याप्त है। जिला प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी किसानों की मांगे नहीं मानी गई। विवाद की स्थिति को देखते हुए डैम निर्माण स्थल पर पुलिस बल तैनात कर कार्य पुनः शुरू कर दिया गया। जो अद्यतन नीति है आपसी सहमति के तहत, जो उसकी भूमि संपत्ति का जो भी मूल्यांकन होता है उसकी दुगुनी राशि के मान से देना है। उसके मान से अवार्ड की प्रोसेस किसान अभी सहमति देने की प्रगति कर रहा है। जो निर्माण कर रहे हैं अधिकारी, उन्होंने आवेदन दिया था कि यहाँ पे जो विवाद की स्थिति है, कुछ जो लोग प्रभावित हो रहे हैं डैम एरिया से, तो उनकी कुछ समस्याएं हैं जो प्रशासनिक स्तर पर सुलझाई जा रही हैं। इस विषय पर आज यहाँ काम चालू किया गया, तो आवेदन के आधार पे हम लोग यहाँ पे आए। सर, यहाँ लेने से तो हम जमीन, अगर जो हमारे इसमें मुआवजा है, तो जिस तरीके से हम जमीन जैसी हमारी छे वैसा नहीं ले सकते हम, और कोई दूसरी ऐसी हल्की फुल्की जमीन ले सकते हैं थोड़ी बहुत। और इन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई आपकी जो भी है वो जमीन का बदले जमीन हम देंगे, दिलाएंगे ऐसा। तो आप उज्जैन में एक निजी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल हुए फिल्म गैंग ऑफ वसीपुर और गुलाल के फिल्म एक्टर पीयूष मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस समय देश बहुत बुरे हाल से गुजर रहा है। भगवान है और भगवान ही इस देश को चला रहे हैं। हिंदुस्तान में दलित समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार के संबंध में भी राजनीतिक पार्टियों पर जमकर कटाक्ष करते हुए पीयूष मिश्रा ने कहा कि 1947 के बाद हिंदुस्तान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जाति प्रथा दंश यह देश आज भी भुगत रहा है। आपने कहा कि मेरा तो सभी राजनीतिक पार्टियों से विश्वास उड़ गया, अब तो मोदी जी पर भी भरोसा नहीं रहा, कर के रूप में GST लगा दिया। हिंदुस्तानियों को अगर इतने बड़े कर चुकाना पड़े तो बदले में पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन बदले में 26/11 मिल रहा है। तो मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कोई परिवर्तन देखा नहीं है 47 साल से, ये 47 से लेकर अब तक जो हिंदुस्तान में इक्का दुक्का प्रोग्रेस हुई है, प्रोग्रेस सड़कें बन गई हैं, फ्लाईओवर्स बन गए हैं, बस इसके अलावा मॉल्स बन गए हैं, इसके अलावा कोई खास परिवर्तन देखा नहीं है मैंने। आमूलचूल मेरे ख्याल से सबसे पहले जाति प्रथा को खत्म करना चाहिए, सबसे पहला प्रॉब्लम है जाति प्रथा हिंदुस्तान। अरे क्यों नहीं है सर? हाँ, अरे दलितों पर अत्याचार, दलितों पर ये बोलना, दलितों पर अत्याचार, अरे एक निश्चित जाति है उसको जो है आपके उसका वो सम्मान नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, उसका वो सम्मान नहीं मिल रहा वो जो मिलना चाहिए। अब एक बार वीपी सिंह साहब ने वो किया था मंडल कमीशन, अब वो भी एक गलत तरीका है। एकदम से अगर आप अधिकार दे दोगे तो मतलब आप ये भी देखोगे ना कि उसके मार्क्स हैं कि नहीं, वो काबिल है कि डॉक्टर बनने के काबिल है, तब तो काबिल है ना वो, तो वो भी तरीका एक्सट्रीम, वो भी तरीका गलत है। अतिवाद तो हर हिसाब से गलत है ना, लेकिन एक होना चाहिए, मतलब कुछ तो वे होनी चाहिए ना कि आपके मतलब इनको, जब आप गायों को बचा रहे हो, हमारे, मैं भी गाय को चारा खिलाते हुए बड़ा हुआ हूँ सर, गाय गौ माता हमारे घर में भी कहते हैं, हमारी भी माता है, लेकिन वो जिंदा हाड़मास के आदमी बाबा, उनको तो देख लो, उनके बीवी हैं, बच्चे हैं, और वो इतना बड़ा काम करते हैं कि हम जो मेला करते हैं वो उठाते हैं, वो टट्टी उठाते हैं यार, बहुत बड़ा काम है, आप उठा के दिखाओ, कोई और करके दिखाए। आज भारत बंद का असर डिंडोरी में भी देखने को मिला है। डिंडोरी जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस ने किए हैं, हर चौराहे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, साथ ही सभी अधिकारियों को नजर बनाए रखने और हर स्थिति से निपटने के लिए तैनात किया गया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 10 अप्रैल को भारत बंद के चलते नेपाल नगर में व्यापारी संघ द्वारा नगर बंद कराया गया। भारी मात्रा में व्यापारी एकत्रित हुए। व्यापारी संघ द्वारा नेपाल नगर पुलिस SDOP करण सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा तो वहीं व्यापारी संघ अध्यक्ष जगविंदर सिंह जौली ने बताया कि 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दादागिरी की गई थी, जिससे व्यापारी को नुकसान हुआ है। अब अगर कोई भी संगठन नगर बंद कराने का आह्वान करता है तो पहले उसे व्यापारी संघ से परमिशन लेनी होगी। व्यापारी संघ ने यह ज्ञापन सौंपा कि जब भी कोई दुकानें बंद करने का आह्वान करता है तो हमें सूचित करें, और बार बार इस प्रकार से बंद होने से हमारी दुकानें हमें व्यापार में नुकसान होता है। जिन्हें मेरे द्वारा बताया गया कि तो आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि बंद का कोई आह्वान नहीं है, ना ही बंद कराने का कोई किसी ने ज्ञापन दिया, ना किसी ने बंद की अनुमति दी। व्यापारियों ने स्वेच्छा से ही दुकानें बंद रखी है, स्वेच्छा ही इस संबंध में निर्णय लिया गया है, जिन्हें किसी द्वारा बंद किया। हम चाहेंगे कि ज़्यादातर यह जो बंद है वो खत्म हो और नेपाल नगर में शांति बनी रहे। व्यापारी संघ यही चाहता है, व्यापारी संघ नेपाल का विकास चाहता है, इसलिए सब लोग व्यापारी संघ के साथ रहें, नेपाल नगर जनता साथ रहे। हम तो उनके साथ ही हैं, समय पे देते भी रहते हैं, हर लड़ाई में हम उनके साथ हैं। सोमवार शाम भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल शाहपुरा की कार्यकारिणी घोषित की गई। पदाधिकारियों की नियुक्ति पर समस्त भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, समाजजनों एवं स्नेही जनों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामना प्रेषित की। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई हैं जिससे हमारे सभी अनुसूचित भाइयों को बहुत उचित लाभ मिल रहा है, उनका विकास हो रहा है। आज हम लोग इस कार्यकारिणी को घोषित करते हुए इसलिए भी हर्ष व्यक्त करते हैं कि हमसे आज हमारी पार्टी की नीति से, हमारी पार्टी की विचारधारा से लगातार अनुसूचित जाति मोर्चा के लोग लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और हमारी पार्टी के विकास कार्य से प्रभावित होकर वो पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए IBN9।